ओके, तो शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम कर रहे हैं 2020 गेट का क्वेश्चन पेपर, ए न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। इसमें कुछ इस टाइप से जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला पर बेस्ड है, आपने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया होगा तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा रहता है। इसका कीवर्ड क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू टू। ऐसे क्वेश्चंस ये समझिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी कभी पूछेगा एग्जैक्ट अप टू 3 डिग्री, कभी कभी पूछेगा एग्जैक्ट अप टू 1 डिग्री। तो ये आपका कीवर्ड है, तो इस टाइप का क्या करना होगा, आप कभी भी क्वेश्चन करो जितना डिग्री तक पूछेगा ना, सबसे सिंपल वाला फॉर्म ले लेना है। जैसे अगर अप टू 2 डिग्री बोला है तो आप एफ एक्स को क्या ट्रीट करना, एक बार 1 लेना, फिर एक्स लेना, फिर एक्स स्क्वायर लेना। एज्यूम करो कि इसी क्वेश्चन में अप टू 3 डिग्री दे दिया, तो आप नेक्स्ट वन क्या एज्यूम करोगे, एक्स क्यूब। इसको क्या करना, आप एफ एक्स को यहाँ पे पुट करना, जहां जहां दिया है वहां पुट करते जाना, सोल्व करते जाना, और आप विद इन 1 मिनट आप एबीसी फाइंड आउट कर लोगे। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, जैसे यहाँ पे बी पूछ रहा है, कभी कभी क्या पूछता है, ए प्लस बी प्लस सी, इस टाइप से कुछ ना कुछ डाटा दिया रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका कीवर्ड क्या है, आपको इस टाइप से एज्यूम करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, जो क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ वही है। ओके, तो मैंने जैसे वहां बोला 1 x एक्स स्क्वायर मानना था, यहाँ पे अप टू 2 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। तो 1 लेने पे आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला में यहाँ पे 1 रख लीजिए, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 to 1 इंटीग्रेशन 1, इधर 1 रखेंगे तो ए एजिटर आ जाएगा, तो ए इसके लिए हो जाएगा बी, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो एफ डैश 0 हो गया, तो सी टाइम्स 0। इसको सोल्व करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे -1 to 1, तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1 to -1, तो ये दे देगा वैल्यू आपको 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ओके, यहाँ पे आपका 2 आ गया, इधर ए प्रोडक्ट 0, तो ए प्लस बी, तो यहां से हमें पता चल गया कि ए प्लस बी इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, इसके जगह आप एक्स रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स रखेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, इधर एक्स पे क्या देगा, -1 पे -1 देगा, ए हो गया, 0 पे 0 देगा और डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये चीज मिल जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ पे एक्स रखने के बाद आप इंटीग्रेशन किए तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लिमिट क्या, -1 to 1। ओके, इधर प्रोडक्ट करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, ए 0 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो ए प्लस सी हो गया, और इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई सॉरी लिमिट पुट करेंगे -1 से 1, तो देगा 1/2 -1/2, 0 हो जाएगा। तो इधर हमको पता चल गया कहाँ से, ए इक्वल टू सी हो गया, एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था आपको पुट करने के लिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे जहाँ जहाँ था वैल्यू रख दिया। अब सोल्व करिए तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 रख दिया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 है, -1 से 1 रख दिया, एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 और -1/3 यानी 2/3, तो इधर 2/3 आ गया, इधर रखने पे ए हो जाएगा, ए 0 था और ए 2c, तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल गया ये वाला, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 कैसे आया, मैंने ए वाला थर्ड इक्वेशन यूज किया, तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, सी इक्वल टू ए है, तो सी इक्वल टू ए रख दिया, तो यहाँ पे 2a + 1 3 हो गया, 3a = 3, तो यहाँ से आप ए इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/9। अब ए इक्वल टू 2/9 हो गया तो सी इक्वल टू भी 2/9 हो जाएगा, ठीक है। अब ए इक्वल टू 2/9 सी इक्वल टू भी 2/9, एंड फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 2 था, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - a, अब एक जगह 2/9 रख दीजिए, 2/9 रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, इतना आंसर आ गया। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिक ध्यान रखिएगा। ट्रिक आपका क्या था इस क्वेश्चन का, ट्रिक था इस क्वेश्चन का कि जब भी इस टाइप की बात करें एग्जैक्ट की, तो जहां तक बात करता है वहां तक सिंपल लेते जाइएगा, 1 x x² 3 4 5, मतलब 2 3 4 5, जहां तक भी दिया रहेगा आप वो रखिएगा, पुट करिएगा, सोल्व करिएगा, इजीली बन जाता है। ओके, तो थैंक यू।